स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। कल हमने फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में हमने डिटेल से स्टडी किया था। आज पोलिनेशन, हम लोग पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन और टाइप ऑफ पोलिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पोलिनेशन है क्या? तो जैसा कि आप जानते हैं कि बायसेक्सुअल फ्लावर में या यूनिसेक्सुअल फ्लावर में पोलन ग्रेन स्टामेन पर बनता है, एंडोसियम जिसको कहते हैं, और मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन जो है पिस्टिल में होता है। तो अब जो है फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो पिस्टिल पर। तो हम देखें कि क्या होता है। पोलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा टर्म्ड एज पोलिनेशन। यानी एंथर कहां होता है? स्टामिन पर, यानी एंडोसियम। तो उस एंथर में पोलन ग्रेन्स, जो कि फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया जा चुका है, वो पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर जो है एंथर से स्टिग्मा पर, स्टिग्मा पिस्टिल का पार्ट होता है, स्टिग्मा पर होता है, इसी को हम पोलिनेशन कहते हैं। अब पोलिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ द पोलन ग्रेन पोलिनेशन इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो सबसे पहले ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी एक ही फ्लावर के, यानी एक ही फ्लावर समझ रहे हैं कि फ्लावर क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो एक ही फ्लावर पर में के एंथर में पोलन ग्रेन बनेगा और उसी फ्लावर के पिस्टिल का जो स्टिग्मा है उस पर ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इसलिए इसको ऑटोगेमी कहते हैं, या पी राइस हुइट जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें। अब दूसरा है गिटोनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यानी इसमें एक फ्लावर का पोलन ग्रेन एंथर से चलकर दूसरे फ्लावर के, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करता है, इसको हम गिटोनोगैमी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा कुकुरबिट्स फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली कह सकते हैं। कुकुरबिटेसी फैमिली में ककम्बर, वाटरमेलन, ये सब जो है इसमें ये होता है पोलिनेशन। तीसरा है जेनोगैमी या एलोगैमी कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर ऑफ द अदर प्लांट, है ना। उसी स्पेसीज के एक प्लांट के एक फ्लावर से जब पोलन ग्रेन उसी फैमिली के दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जब वह लैंड करता है तो उसको हम कहते हैं जीनोगैमी और एलोगैमी कहते हैं। जैसे डेट पाम, पपाया, मेज, ये सब हो गए। इसमें मोनोसेक्सुअल जो यूनिसेक्सुअल कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होगा। और पोलिनेशन होता है, आपने देखा कि तीन तरह का होता है ना। अब पोलिनेशन जो होता है कौन कौन से एजेंट्स कहते हैं, जो भी चीज पोलिनेशन में हेल्प करता है उसको हम कहते हैं एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। तो एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन में दो तरह के होंगे, एक होगा एबायोटिक, दूसरा होगा बायोटिक। एबायोटिक में वाटर और विंड के द्वारा भी पोलन ग्रेन तैर करके हवा में या वाटर में तैर करके वह स्टिग्मा पर पहुंचते हैं पोलन ग्रेन्स। बायोटिक एजेंट में इंसेक्ट जैसे बीज, मोथ, वास्प जिसको हम बिर्नी कहते हैं, या बटरफ्लाई, ये सब है ना, जब
एंथर पर जब वो बैठते हैं तो उनके पैरों में विंग्स में पोलन ग्रेन सड़ जाते हैं, और जब वह उस मेल पार्ट पर जब स्टिग्मा पर जब वह बैठते हैं तो इस तरह से ट्रांसफर हो जाता है। बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड्स, रैट्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, गार्डन लिजार्ड, ये सब भी जो है पेड़ पर रहते हैं, यानी आर्बोरियल कह सकते हैं जो जीव है। मैमल्स लाइक लेमूर्स, आर्बोरियल एजेंट्स जो पेड़ पर रहते हैं, इन सब के द्वारा भी जो है पॉलिनेशन होता है। तो ये बायोटिक एजेंट हुआ और ये बायोटिक एजेंट। अब लैंड करने के बाद क्या होता है, हम नेक्स्ट थोड़ा चर्चा करेंगे पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन पर। जब पोलन जब लैंड करता है, पोलन ग्रेन्स जब लैंड करता है स्टिग्मा पर, तो स्टिग्मा क्या है कि वह से वह यह पहचानता है कि उसी स्पेसीज का यह पोलन ग्रेन है कि नहीं, क्योंकि डिफरेंट स्पेसीज में यह संभव नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो। तो जब स्टिग्मा या कैपेबिलिटी पहचान लेता है पोलन ग्रेन का कि सेम स्पेसीज है, तब जाकर के स्टिग्मा और पिस्टिल के बीच इंटरेक्शन होता है। कहने का मतलब स्टिग्मा पर जब वो लैंड करेगा फिर पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, उसके बाद मेल गैमेट रिलीज होगा और उस पिस्टिल का जो जिसको स्टाइल कहते हैं उससे होकर के फिर ओव्यूल तक वो पहुंचेगा। तो यह पहले स्टिग्मा पहचानता है कि नहीं, पहचानता है कि यह हमारे स्पेसीज का यह पोलन ग्रेन है या नहीं है, उसके बाद जो है पोलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन होता है। आगे की जो प्रोसीजर होता है इसी को हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। इसके बाद आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, नहीं पोलिनेशन कर सकते, आर्टिफिशियल पोलिनेशन भी होता है या उसको हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसमें क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं कि कराया जाता है मनुष्य के द्वारा, इसमें पोलन ग्रेन को पोलिट होने से बचाया जाता है, जिसमें पोलन ग्रेन को इमेस्कुलेशन जिसको कहते हैं, जिसमें से एक प्लांट के पोलन ग्रेन को हटा, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन को हटा दिया जाता है, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को खुला रहने दिया जाता है और इसमें क्रॉस कराया जाता है। तो इमेस्कुलेशन इसमें क्या किया जाता है कि जिस फ्लावर का पोलन ग्रेन को अगर पोलिनेशन के लिए अलाउ नहीं करना है, उसके पोलन ग्रेन को रिमूव कर दिया जाता है और डिजायर्ड प्लांट के पोलन ग्रेन को जो है ट्रांसफर होने दिया जाता है, है ना। इसमें जो पोलन ग्रेन को हटाया जाता है इसको इमेस्कुलेशन कहते हैं। और दूसरा होता है बैगिंग टेक्निक, जिसमें पॉलीथीन से बांध करके कंटामिनेशन होने से पोलन ग्रेन को बचाया जाता है। तो इस तरह से क्रॉस जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, उसमें बैगिंग टेक्निक और इमेस्कुलेशन टेक्निक का यूज होता है पोलिनेशन करने में। अब अगला जो स्टेप होगा पोलन ग्रेन पोलिनेशन होने के बाद, वही हमने कहा कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा, उसके बाद पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, मेल गैमेट रिलीज होगा और आगे फर्टिलाइजेशन होगा।